तो जैसे कि मैंने कहा था, इससे नहीं हो पाया तो इससे हो ही नहीं पाया। तो अभी हारने के लिए तैयार हो? 6 बॉल में 21 रन चाहिए, यानी कि भाई बहुत ही खतरनाक सिचुएशन में आके खड़ी हुई। लेकिन तीसरी बॉल और ये आया, ओ भाई का छक्का पड़ा हुआ है, बहुत ही शानदार सा, बहुत ही खतरनाक वाला। यहाँ पर कुछ स्कोर की तरफ से हाँ गलतियाँ हो गई होंगी। विकेट और यूके स्ट्राइकर यहाँ से विन हो गई है, यहाँ झगड़ा शुरू हो गया फिर से। हम दोनों भाई है तो भाईचारे में बहुत युद्ध होने वाले हैं। भाई मैं तुम्हें एक ही बॉल में विकेट निकालूंगा। एक बॉल भी नहीं हुआ लास्ट ओवर में, सेमीन मैच लास्ट ओवर एक बॉल से कंटिन्यू वाइड। पांच रन आराम से फ्री में आ गई। और यही है अपने फैन बेस। ये हमारे बल्लू भाई कितना खेला भाई? जीरो गया क्या तू? 20 रन मारा है भाई। तू हैवी बैट्समैन है यार, पोलार्ड है तू। अभी हो पाएगा 100%, तुम्हारे भरोसा है। तुमने जीता ना भाई, अपन बहुत टॉप पे आएगा, जीत जाओ यार। टीमें में अपना नाम सर हो गया है। सीरीज में हमारी मैच जीत चुके हैं, यानी कि हम टॉप में है अभी फिलहाल के लिए। और अभी जो जीतेगी उसका कह नहीं सकते, क्योंकि उसका पॉइंट टेबल देखना पड़ेगा। मैंने भी नहीं देखा। अभी फिलहाल दीदी के पास जा रहा हूँ, जहाँ पर डॉक्यूमेंट्स लेना जाना है मुझे लेने के लिए। तो चलिए दीदी के पास जाते हैं और डॉक्यूमेंट्स लेके आके बुई मैडम को देना है, यानी कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल पे। गाड़ी वाटे पर का हो बना को मकते काड़ू रहा ये क्या? हाँ हाँ बो तारका ने रे पापी गाड़ी चाहिए था। यहाँ पर जीजू के पास पहुँच चुकी है, दीदी अब तक नहीं आई है, तो फिलहाल डॉक्यूमेंट फाइन करना पड़ेगा। ए पढ़ावर दो ने भांजा है सागर, जानते ही होंगे आप लोग। तो बुरी आधार कार्ड निकल, कुछ डॉक्यूमेंट्स ले लिया है और अभी जो सिटी में गए अभी भाई और यशवंत भाई, उनका इंतज़ार करना पड़ेगा। वहाँ वो दोनों मेरे साथ आए थे, तो फिलहाल जैसे फिर से डॉक्यूमेंट सारे सेफ रख रहे हैं और मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। लेकिन भाई यहाँ के लोग ना मेरे वीडियोस देखते थे जब मैं ट्रैवल करता था, और अभी बाहर शायद इंतज़ार कर रहे होंगे मेरा मिलने के लिए। तो चलिए मिल लेते हैं उनसे भी, कोई मिलना चाहता तो मिलना चाहिए। बड़ी दीदी आ गई, देखो अभी कितनी देर बाद, मेरी इंतज़ार करने के बाद। फ़ोन भी स्विच ऑफ का, मोबाइल बंद है। वो मोबाइल तो 40 ग्राम के पास है, उसमें सिम कार्ड तो मेरा है। तो ये है दीदी का मोबाइल जो स्विच ऑफ बन के पड़े हुए थे, गया। तो अभी इनको शायद घर से नया दे के भेजना पड़ेगा जो 40 ग्राम का मोबाइल है। तो चलो फोन आने लगा, मैं चलता हूँ। बाय बाय, चलता हूँ मिस्टर रामजी ब्लॉग। चलो चलो जी जो चलता हूँ, बाय बाय। कहाँ चल रहे भाई? हम जीत मारी थी। हाँ जगन माँ मोटो निकलो। कहाँ चल रहे भाई, सब ठीक है? फर्स्ट क्लास है। चलो ये भी दोनों लौट चुके वापस जल्दी से, अब जाने में आसानी होगी जल्दी से मुझे। और यही है अपने फैन बेस। मैच चल रही सनूस, अर्जेंट मैच। पीलो पीलो पानी पीलो। हाँ ये बीजा प्रिंट थोड़ा गए थे। तो रवि में पहुंच चुके हैं और रास्ते में मैडम मिलने ही वाली है हमें। और अभी यहाँ पर भाई मेरे लिए स्टिंग लिया है और वड़ा पाव। हाँ क्या हुआ? अरे भैया धूल थोड़ा बहुत ज़्यादा है ना, थोड़ा देख के दे दो। चलिए वड़ा पाव गर्मा गर्म तैयार भी है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा धूल लग गया होगा। तो वड़ा पाव भी खाएगा, स्टिंग भी पिएगा। वाले मोटर ये देखिए अपने वड़ा पाव इस तरीके से बन रहे हैं, और हम उस तरफ फ्रेश हो रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल है भाई। यहाँ पर चाय में भी देख सकते हो कितना धूल आगे गिरी हुई, इतना खतरनाक हवा है ना, इस तरीके से साइक्लोन आ रहा हो ऐसा लग रहा है मुझे तो यार। ये देखिए कितना काला दिख रहा था, अभी इतना थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। देखो कितना फ्रेश हो गया भाई, अच्छा लगा ना? हाँ 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 भाई, देख के अच्छा लगा अभी वड़ा पाव को। हाँ
अनावत लेना। देखो भाई क्या दिख रहा है यार वड़ापाव भाई, सॉस डाल देना इस पे, सॉस डाल देना, एक सॉस डाल देना इसके ऊपर। अभी आ गया मजा खाने में। क्या खतरनाक खाता है यार ये। हम वड़ापाव खा रहे हैं और इसका देखो मुंह में कितना पानी आ हुआ है, मुंह में देखो कितना पानी भर के बैठा हुआ है भाई। खा ले, तेरे को नहीं दिलाएंगे हम। गाड़ी कौन चलाएगा? यशवंत भाई। साइक्लोन में गाड़ी हेवी ड्राइवर होगा अभी हमारा यशवंत भाई। चल हेवी ड्राइवर, हाँ किक मार पहले, बैटरी नहीं है उसकी। चलो हमारी सवारी चलती हुई घर की तरफ। देखना पड़ेगा मैच कौन सा कैसे चल रहा है विजय की। हाँ भाई मैच बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जन्नत सिंह से अगर जीती होगी ना तो भाई हमारी तो निकल पड़ी, निकल लॉटरी। अगर वो नहीं जीतेगी तो फिर बाद में और एक बार खेलना पड़ेगा। हमारी तो लॉटरी है ही अभी कोई से तो, लेकिन जन्नत सिंह जीत गई तो और ज्यादा लॉटरी लग जाएगी हमारी, ये कह सकते हैं। रोड का हमारी निकल थी मालूम नहीं। चलिए ग्राउंड तक पहुंच गए फाइनली। इतनी तेज हवा में ना, हम तीन लोग इतने भारी थे फिर भी गाड़ी उड़ रही थी यार हवा में जैसे कि उड़ती हो। अभी ए सन तेरा सामान, और अभी पता नहीं स्कोर क्या क्या हुआ होगा सारे, अभी देखना पड़ेगा कि कौन से कौन प्लेयर को इतना खेला हुआ है। कितना स्कोर हुआ भाई विनोद भाई? 80। ओह फिर से बाउंड्री, फिर से फ्री हिट गया, फिर से फ्री हिट। छे 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 बाउंड्री नहीं है, बाउंड्री नहीं है ये सन। ये क्या हो रहा है भाई? हो गया नो बॉल, नो बॉल हो गया भाई, नो बॉल हो गया। ए इन दोनों को उठाना, इन तुम दो बाहर चलो। कितना हुआ स्कोर भाई? 79 हो गया है भाई। क्या हवा चल रही है यार, हर साल हवा हमारी मैच के टाइम पे ही चलना पड़ता है क्या? हवा यार, ये हवा हर साल चलती है, ये टाइम पर ही आती है ना हवा, हमारी मैच के टाइम पे ही। पर ये हमारे बल्लू भाई कितना खेला भाई? जीरो गया क्या तू? 20 रन मारा है भाई। तू कैवी बैट्समैन है यार, पोलार्ड है तू। चलो यार ये यूट्यूब प्लस होगा शायद, शायद यूट्यूब प्लस होगा यार इनका रन। तो चलिए आखिरी क्या होगा, हमारी विनोद भाई बैट्समैन है, मैं भी बैठ जाऊंगा। क्या चिल्ला रहा है, हट बे, पैर हटा, ए पैर हटा, इतना क्यों चिल्ला रहा है? 85 को विन, यानी कि यूके स्ट्राइकर्स 84 को विन, यूके स्ट्राइकर्स 84 रन मारा, 83 रन होगा है ना, तो 84 को विन होगा शायद। और ये देखिए आ रही है हमारी टीम जो कि छह पहली फुर्सत में निकल। अच्छा अच्छा ऊपर ऊपर चले, दूर जाओ ऊपर, आता ऊपर झंटू। जन्नत सिसी तैयार है बैट्समैन आने के लिए। वापस क्यों जा रहे हो भाई? पानी प्यास लग गई, तू तुझसे हो पाएगा अभी हो पाएगा 100%। तुम्हारे भरोसा है, तुमने जीता ना भाई अपन बहुत टॉप पे आएगा, जीत जाओ यार। और यहाँ पर देखो जोकर आ रहा है बाल उड़ाते हुए, जोड़ा ना यार जोकर की तरह। नहीं नहीं तू जोकर नहीं है तू। यूके स्ट्राइकर्स के सारे प्लेयर्स ग्राउंड में फैल चुके हैं और दोनों एम्पायर्स यहाँ पर कुछ चर्चा कर रहे हैं, और दोनों मैच कंटिन्यू अंपायर करके कैसा लग रहा है जीजू और भैया जी? अच्छा लग रहा है या थोड़ा थकान महसूस हो रहा है? धूप तो कम हो गई है अभी शाम में है ना। चलिए दोनों अंपायर और कुछ ज्यादा अच्छी सीक्रेट बात करें तो हम सुन नहीं पाएंगे। और भाई यूके स्ट्राइकर्स तैयार है स्ट्राइक करने के लिए, जीत पाओगे? तुमसे हो पाएगा, तुमसे हो पाएगा जी है इसका ये। सपोर्ट करो। ओ भाई भाई पहली बार एक अच्छा लड़के ने एक अच्छी बात कही है, और इसने देखिए मुझे विश्वास नहीं किया, इसने 20 रन मारा हुआ है, मुझे विश्वास नहीं है। ये चड्डी पे आया हुआ है, ये चड्डा बाहर निकल, तेरी औकात नहीं है मैच में खेलने का, औकात नहीं है मैच पे आना हो तो पैंट पहन के आया, वरना बाहर निकल चड्डा।
बैट्समैन आने के लिए तैयार है अभी हमारे जन्नत सीसी के हमारे सुनील भैया और अजीत भाई। चलिए भाई क्या स्कोर मार पाएंगे या नहीं वो तो देखना लायक बनेगा, क्योंकि ये भाई ना क्या वो हमारे गिल की तरह छक्का मारने बहुत ज़्यादा मारते हैं भाई। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, अच्छे से मत खेलो। और देखिए स्टेडियम में कितने सारे ऑडियंस हैं, और जब फाइनल होगा ना तब हम मंदिर के ऊपर जो लाउड स्पीकर है उससे अनाउंस करेंगे कि यहाँ पर और ज़्यादा लोग देखने आए हैं और इस मैच का लुत्फ उठा पाए फ्री में, वो भी है ना भाई। तो चलिए स्कोरर आकाश भाई तैयार है, उसके बाजू में मैं बैठूंगा, बॉलर भाई बलराम तैयार है, और दोनों स्ट्राइकर्स तैयार है। नॉन स्ट्राइकर्स देखने लायक बनेगा कि 83 रन मार पाएंगे, और ये अपना स्टिंग अभी भी मेरे पास है। तो क्या इधर चालू चले, आहा आसम मजा आ गया। अरे यार कितना पिएगा, और अरे बाहर निकल, अभी आ रहा है कप्तान बंगाल वायरस ब्लैक कोबरा, ब्लैक कोबरा, ब्लैक कोबरा। ये तीसरी बार गई, और ये बाप 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 बा, क्या खेल रहा है यार ये, कभी नहीं ये जिंदगी में कभी भी गुंडा नहीं बन सकता अजीत भाई, क्योंकि यार ये तरीके से इतने अच्छे फुल टॉस बॉल आ रही है भाई, छक्का जाना, छक्का जाना चाहिए है ना भाई। जरूर अपने स्कोरर पे बोर हो रहा है तो नहीं, हाँ भाई हमारी टीम बाहर गई, हमने बाहर निकाल लिया तुम्हारी टीम को पहली फुर्सत में। चलिए चौथी बॉल डालने के लिए तैयार, और बैट्समैन तैयार। ओ भाई ये अगर LBW आउट होता तो ये विकेट हो जाता, क्योंकि भाई आराम से बहुत ही आसानी से पैर पे बार मार खाया है। जन्नत सीसी जीत गई भाई, क्या खेला यार, तू जाके बेस्ट है यार, अभी ने अच्छा खेला। ओहो भाई पार्टी, आज की पार्टी तेरी तरफ से, हाँ भाई मुझे एक बोलो ना, मैं यूट्यूब हूँ, मैं यूट्यूबर से वीडियो बना लूंगा मैं यूट्यूबर हूँ ना, नहीं नहीं भाई आज मैं यूट्यूबर हूँ ना, मैं वीडियो बना लूंगा, खाना खिला दो बस। भाई लीग रैंड की प्लानिंग चल रही थी इनकी, टॉप पे है नहीं, पार्टी देगा लेकिन हमने तो जन्नत दिखा दिया था तुझे। चलो यार ये लोग जीत गए, अभी प्ले ऑफ का चर्चा होगा, यानी कि प्ले ऑफ किस तरीके से हो सकता है कल बात करेंगे, यानी कि अभी चर्चा उसी के बारे में होगा कि कल किस किस का मैच होने वाला है। चलो भाई पॉइंट वगैरह निकालो और मैच किस किस का होगा वो बता दो। क्या बात, फाइनल टीम क्या चल रहा है, आईपीएल सिस्टम से तीन टीमें में अपना नाम सर हो गया, बजरंगबली भगवा फिर मिले, जो सिटी में नाम निकले थे वो जोड़ रहे।
गोल्डन सेकंड चांस मिलेगा यार भैया, चांस तो मार लिया अपने, पार्टी कब दे रहे हो? तो भाई टॉप टीम हम हैं और हमारे साथ कल खेलने वाली है ओल्ड इज गोल्ड, यानी कि फाइनल मैच। जो हमारे साथ हारेगा उसको मिलेगा सेकंड चांस, अगर हम हारे तो हमें सेकंड चांस, अगर वो हारे तो उनको सेकंड चांस मिलेगा जो एलिमिनेटर रहेगा। जैसे कि आईपीएल का शेड्यूल रहता है ना, उसी तरीके से ये यहाँ पर भी खेला जा रहा है और मैं यहाँ पर काला हो रहा हूँ दिन भर दिन, ज़्यादा और पहले काला था और ज़्यादा काला हो रहा हूँ। तो चलिए अभी सब लोग मिक्सअप होके मैच खेलेंगे, यानी कि हम लोग फ्रेंडली मैच खेलेंगे क्योंकि अभी भी बहुत ज़्यादा टाइम है, तो आराम से खेलने की सोच रहे हैं। तो देखिए खेल लेंगे और मज़ा लेंगे जिंदगी का। और इनका एलिमिनेट मैच कल सुबह होने वाला है 9 बजे, और कुछ मीटिंग चल रहा है अभी, कल का प्लान, कल मैच का प्लान चलने वाला है ना यहाँ पर। तो भाई भाई ने फ्रेंडली मैच में मुझे लिया है यार, थैंक यू यार, मैंने सोचा मुझे भूल गए हैं। तो चलिए बैटिंग है ना अपना, भाई धुआं निकाल दूंगा, धोनी की तरह फिनिशर बनूंगा। किधर पापा किधर, हाँ लगा दे वहाँ पर। तो चलिए हमारे बैट्समैन उतर चुके हैं फ्रेंडली मैच में, यानी कि ये फ्रेंडली की तरह होगा, गाली वगैरह बहुत सारे बकते रहेंगे इस मैच में। और हमारे अभी भाई साहब हमारे अपोजिट खेल रहा है अभी, वो भाई क्या शॉट मारा यार, ये झकास, पसंद आएगा यार, तू लाइक हो गया। और ये सारे अपनी टीम है, जय श्री राम, ये सारे अपनी टीम है देखिए। चलिए वो रो गई है, और हमारा यशवंत भाई बॉलिंग करने के लिए तैयार है फिर से, और पता नहीं कौन से गटर से एक शर्ट उड़ के उठा के लेके आया है और उसी को डॉल के खेल रहा है अभी फिलहाल के लिए। और शंकर आ रहा है स्ट्राइक पे, ये खड़ा हुआ है कीपिंग पे। तो अपन अभी कैमरा एंगल चेंज करने वाला है और बिल्कुल बैट्समैन से पीछे से शूटिंग करेगा। ये देखो ओवर एक्टिंग की दुकान। चलो यशवंत उस तरफ से बॉलिंग डाल रहा है, हाँ यशवंत भाई बॉलिंग डाल रहा है, और हमारा बैट्समैन बिल्कुल क्रीज छोड़ के एकदम तैयार है एकदम छक्का लगाने के लिए। और ये बॉल है, ये बैट्समैन नहीं बन सकता, ये बैट्समैन नहीं बन सकता क्योंकि बहुत ही इजी बॉल थी, क्रीज छोड़कर छक्का लगाने के लिए तैयार है। और बॉल आई है, ये बॉल आराम से प्लेड होके हमारे अभी भाई के हाथ में गया है, और अभी उंदर जैसे कि चूहा पकड़ता है वैसा एक्टिंग करते करते बॉल बॉलर के हाथ में दे दिया है। लास्ट बॉल बचा हुआ है और स्ट्राइक पे है हमारे सुनील भैया जी, और फिर से यशवंत तैयार है लास्ट बॉल छठी बॉल डालने के लिए, और बैट्समैन तैयार बिल्कुल ले गया छक्का, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। और एक इसको फील्डिंग कभी भी मत खड़ा करो क्योंकि बहुत ही बकवास फील्डिंग करता है, और आराम से इजी से फोर लग गया। और ये प्लेयर जो है ना ये केएल राहुल का फैन है, लेकिन भाई बैटिंग का बहुत ही ज़्यादा लालच करता है, और अभी फिलहाल के लिए ये जब विकेट होगा तब जब जाके खड़ा होगा ऐसे ही रहा देख रहा है, लेकिन तू विकेट नहीं देना। तो चलिए दूसरा बॉलर आ चुका है स्ट्राइक पे हमारा शंकर भाई, और ये लगा छक्का बिल्कुल सही तरीके से, और पहला बॉल मार रहा है और बैट्समैन तैयार, ये बॉल डेड हो गई। ओ भाई भाई मुझे मारना चाहता क्या, कैमरामैन को तो बचा दे। ये देखिए मैच सीरियस नहीं चल रहा करके मैच छोड़कर भाग रहा है, फ्रेंडली मैच में ऐसे ही होता है, लेकिन टूर्नामेंट खेला तो झगड़ा निकालने के लिए सबसे आगे होता है। हटना, और एक दूसरी बॉल, और ये देखिए बॉल कैच नहीं पकड़ा अब तक, लेकिन ये बैट्समैन तैयार है खेलने के लिए दूसरा बैट्समैन। भाई ये हम पर राउंड दे दे, हम मैच खत्म, पैसा हजम, बैट बॉल चली घर, और ये भी चला घर, हम भी चले घर, और दो प्लेयर वहां पर तैयार है मेरे राह देखते हुए, चलिए निकलते हैं घर। तो चले भाइयों घर, कहाँ पर कुछ बाकी है कहना, वाह